शरीर के पास पैसा नहीं रहता उसका काम नहीं चलता। और इस मामले में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ऐसा हार्ड डिसीजन है, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार। कोई भी हो, भ्रष्टाचार में जहां भी कोई प्रूफ करके पाया गया उसे किसी कीमत पे हमारी सरकार बताए। ये बात को भी हमें समझना, चाहे अधिकारी हो चाहे आप भी सुत्री और हम हमारा सरकार, किसी कीमत पे भ्रष्टाचार। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि 2.5 साल हमारी सरकार होने जा रही है, कोई हमारा मंत्री अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। बहुत बड़ी उपलब्धि है जहां झारखंड में हर महीने पे किसी न किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप है, क्योंकि लोग परेशान है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार भी दो तरह का होता है, एक राजकीय भ्रष्टाचार, दूसरा रोजमर्रा की जिंदगी में भ्रष्टाचार। तो राजकीय भ्रष्टाचार को हम लोग कंट्रोल कर लिए, लेकिन जो रोजमर्रा की भ्रष्टाचार, पंचायत सचिवालय में एक गुप्ता का ही मंडल पंचायत स्वयं सेवक बता रहे थे कि निचले स्तर पर कैसे भ्रष्टाचार, और उसी भ्रष्टाचार बिचौलिया के समाप्त करने के लिए हम पंचायत सचिवालय का गठन किया कि हमारी जनता को सारी सुविधा उसे घर बैठे, कोई बिचौलिया कोई प्रखंड कार्यालय जाने की समय लगेगा। लेकिन हमने कहा ना, हम विकसित राज्य, हमारे यहाँ अंदर बहुत मैन पावर की कमी थी। आप देखिए आयुष्मान नीति के नाम पर कैसे उलझा के बेरोजगारों को पीछे झंडा डलवाया, हमने आयुष्मान नीति बहाल कर दी। अब ब्लॉक ब्लॉक को ऑफिस